Hello, Dosto. Welcome back to yet another video. And this video will be related to practical training. As I have been getting a lot of questions on practical training, so I will try to cover all the questions in this uh, video. And if any question is left, then you can let me know in the comment section. We'll try to sort it out as well. So, without wasting much time, let's begin. So, as you can see on the screen, here we have frequently asked questions on practical training. Let's move forward.

Or after first January two thousand eight, shall be required to undergo practical training for a period of three years on whole time basis. Yes, everyone have to undergo for three years training. Either they have registered on or after first January two thousand eight, or after Feb twenty twenty. For new students, we will look after some questions. But this is for old students. This is the old practical training scheme which have been going. Now, uh, when you can give. When you are eligible for final examinations. However, students for being eligible to make an application to appear in the final examination must complete at least six months of practical training in any one or more of the organizations specified in Appendix A or and in areas as specified in Appendix B. Or must have an experience of at least six months in any one or more of the organizations specified in Appendix A and in areas specified in Appendix B. What does this mean?

इन एनी वन और मोर ऑफ द ऑर्गनेशन किसी भी एक में है उससे ज्यादा मैं आपके तो पास अगर उसका एक्सपीरियंस है विच ऑर्गनेशन दट आर स्पेसिफाइड इन अपर अपेंडिक्स बी यू कैन चेक दिस अपडिक्स एंडिक्स बी लिस्ट ऑन द साइट इट सेल्फ ठीक है तो वहां पर आपका अगर एक्सपीरियंस है सिक्स मंथस का देन यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ठीक है सो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड सेकेंड क्वेश्चन इज हु कैन क्लेम एग्जामेशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

एंड प्लेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ टू टू थाउजेंड रुपीज ऑनलाइन विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इफ यू आर रेपेयरिंग फॉर जून एग्जामिनेशन देन थर्टी फर्स्ट मे इज द लास्ट डेट एंड इफ यू आर रेपेयेरिंग फॉर डिसमेंबर देन थर्टी एथ नवंबर इज द लास्ट डेट एंड वेन यू कैन क्लेम दिस एग्जामिशन कैन ब्लेम्ड एनी टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग इंटरमीडिएट कोर्स ठीक है कभी भी आप कर सकते हो टी थ्री फॉर्म आपको सबमिट करना होगा अगर आपने कहीं जॉब करी है, है ना और वो आपके उसमें रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में आती है इवन वहाँ पर अगर नहीं है और वो क्राइटेरिया मैच कर रही है वो कुछ फिफ्टी लैख वन करोड़ का कुछ क्राइटेरिया है वो आप चेक कर लेना साइट से ठीक है न्यू स्टूडेंट्स के लिए वो ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी लैख का क्राइटेरिया है तो वो चेक कर लेना न्यू स्टूडेंट्स हु हैव इन इंटरमीडिएट ऑन और आफ्टर इलेवंथी ट्वेंटी ठीक है तो वो क्राइटेरिया देख लेना उसके हिसाब से आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन फॉर्म टी में ठीक है टी थ्री डॉक्यूमेंट्स टू तो भी सबमिटेड है विद फॉर्म थ्री क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यू विल गेट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉय फॉम ऑर्गेनाइजेशन विच स्टेट्स योर डेजग्नेशन एरिया ऑफ वर्क इन विच एंड एंडेशन फॉर हाउ मैनी मंथ्स और इयर्स वर्क देअर विच शुड बी ड्यूली साइड बाई कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच्लॉयड ठीक है या तो एम्प्लॉय हो या फिर थे ठीक है स्कैन कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ इंप्लॉयर्स और एनी अदर प्रूफ ऑफ टर्न ओवर अ लेटर मेंशनिंग टर्न ओवर ऑफ द कंपनी ऑन द लेटर ऑफ द कंपनी साइन्ड विद सील एक टर्न का प्रूफ चाहिए होता है ऑडिटेड बैलेंस शीट हो सकती है या फिर कोई भी लेटर जिसमें टर्न कंपनी की मेंशन हो एंड स्कैन कॉपी ऑफ करेंट सैलरीज स्लिप ड्यूले टेस्ट बाई एम्प्लॉयर ये दोनों तो आपको आसानी से मिल जाते हैं ठीक है ये दोनों तो आपको मिल जाएंगे बट इसके लिए आपको एक बार आप गूगल करके उसको चेक करेंगे ठीक है तो इसमें शायद आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है बट यू विल एबल टू फाइंड इट एज वेल ठीक है

इफ़ यू डिडेंट इंफॉर्म थर्टी डेज में आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं जब अब आप नहीं कर पाए किसी रीज़न से तो अब आप कर, आप, 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 आप कर सकते हो आप ठीक है क्योंकि स्टूडेंट ने यही पूछा था कि मैं कर नहीं पाया सो वट शुड आई डू यू कैन डू इट नाउ एज वेल सो यू हैव टू फिल फॉर्म नंबर टी वन इफ़ यू हैव स्टार्टिड वर्किंग इन फॉर्म कोर्स अकाउंटेंसी फॉर्म फॉर्म टी फोर इफ यू हैव स्टार्टिड वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है फॉर्म टी थ्री थ्री है ऑर्गेनाइजेशन एग्जामेशन क्लेम करने के लिए जो हमने अभी देखा एंड टी फाइव कब करना है जब आपकी ट्रेनिंग मंथ्स की कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो अगर आप स्टूडेंट हैं आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट किया तो टी फोर फिल करना है और जब वो सिक्स मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो टी फाइव फिल करना है ठीक है और अगर आपने कोच अकाउंटिंग फॉर्म में किया तो टी वन फिल करना है और फिर टी फाइव फिल करना है जब कंप्लीट हो गया टी थ्री सिर्फ एग्जामिशन के लिए टी वन टी फाइव टी फोर टी फाइव डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म आई होप दिस सोल्व यॉ कमिंग टू द नेक्स्ट इंटीमेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन द फॉर्म टी वन टी फोर टी वन टी फोर की जो डेट्स हैं वो कब तक बतानी होती है आपको थर्टी फर्स्ट मे के मे तक बतानी है जून एग्जाम्स के लिए और थर्टी एथ नवंबर फॉर डिसंबर एग्जाम के लिए ठीक है स्टूडेंड शैल इनफॉर्म एनी चिंपल एम्प्लायर टू इंट विदिन थर्टी डेज ऑफ सेंजेस विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दट इज न्यू ऑनलाइन फॉर्म टी वन टी फोर एक्सपीरियंस सर्टिफेट फ्रॉम पास प्रिंसिपल और इंप्लायर अंग विद्री ऑफ थाउजेंड रुपज टू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वट डज दिस मीन इफ यू आर चेंजिंग योर प्रिंसिपल और इम्प्लॉयर ठीक है उस सिक्स मंथस के अंदर अंदर भी अगर आप चेंज कर रहे हो सो यू हैव टू इंटीमेट द इंस्ट्यूट विद इन थर्टी डेज ऑफ सच चेंजेस एंड यू इन द न्यू ऑनलाइन फॉर्म टी वन टी फोर फिर से आपको फिल करना पड़ेगा टी वन उसका है ना टी वन उसका फॉर्म का और टी फोर है ऑर्गेनाइजेशन का तो जिसमें भी आप चेंज कर रहे हो ठीक है वो बनना पड़ेगा फॉर्म उस हिसाब से एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पास्ट प्रिंसिपल का और वन थाउजेंड रुपीज़ आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी

ज़रूरी नहीं कि वो इतने दें डिपेंड्स ऑन योर वर्क एंड एबिलिटी टू वर्क ठीक है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिमम स्टाइपेंड है दिस इज द मिनिमम स्टाइपेंड मैक्सिमम कितना भी हो सकता है एट थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड एंड हेर इट इज टेन थाउजेंड ट्वेल्ल थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड नवी लास्ट के यहाँ पर दो दो अमाउंट क्यों है ये जो एट थाउजेंड है टेन थाउजेंड है ट्वेल्ल थाउजेंड ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए है और ये टेन थाउजेंड वाला जो स्लैब है ये है ए ग्रेड सिटीज़ के लिए और मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के लिए ठीक है मेट्रोपोलिटन सिटीज़ और ए ग्रेड सिटीज़ आप गूगल कर सकते हैं कौन कौन सी होती हैं

अगर आपने एलेवेंथ फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी को या उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया था इंटरमीडिएट कोर्स में तो आपको फिफ्टीन मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ठीक है उसमें क्या चीज़ है आगे लिखा है उनके लिए क्या चीज़ें जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी तक पुराने वालों का चल रहा था ठीक है इसमें कट ऑफ डेट क्या है कट ऑफ डेट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म टी फाइव शेल बी थर्टी फर्स्ट अगस्ट फॉर अपेयरिंग इन डिसंबर एग्जामिनेशन विच शेल स्पेसिफाई कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट टेन ऑफ ट्रेनिंग एज ऑन डेट डेट अभी यहाँ तक पढ़ो ठीक है इसका मतलब ये है कि आपको टी फाइव सबमिट करना होगा ठीक है जब आप टी फाइव सबमिट करोगे कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है टी फाइव ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए होता है यहाँ पे आप देख सकते हो टी फाइव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट सिक्स मंथ्स ट्रेनिंग था ठीक है तो यहाँ पे जब आप कंप्लीट करोगे तो इनके लिए टेन मंथ्स है जो नए स्टूडेंट है ठीक है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए सिक्स मंथ्स है और इनके लिए टेन मंथ्स है कि टेन मंथ्स की आपने तब तो तक कर ली हो कम्प्लीट ट्रेनिंग और दिसंबर के लिए थर्टी फर्स्ट अगस्त डेट है ठीक है और जून के लिए ट्वेंटी uh, है तो ट्वेंटी नाइन्थ फेब है टी फाइव सबमिट करने के लिए यहाँ पे भी ये लिखा है कि टेन मंथ्स की ट्रेनिंग उस डेट पे कंप्लीट हो चुकी है जब आप वो सबमिट कर रहे हो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन ना सी एम ए स्टूडेंट डलशिप इन सी एस सी एस फॉर्म्स नो एक यहाँ पे uh, मैंने कल जब रिसर्च किया सो आई सी की एक जगह लिखा था तभी कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है ठीक है आई कांट राइट द होल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन ठीक है आपको समझ में ही गया होगा कि अगर सी फॉर्म में मैनेजमेंट डिवीजन है तो हम वहां पे काम कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट फाइंड लेटेस्ट अपडेट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स इट इज क्लियरली रिटर्न दी ए और सी एस फॉर्म आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सी एम ए आर्टिकलशिप तो आप कर ही नहीं सकते एक तरीके से ही मांगी चलो सी ए सी एस फॉर्म्स को आप भूल ही जाओ ठीक है नाउ

एज इट टेक्स नॉर्मली आई हर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रैक्टिकली कम से कम आपको एक साल लग जाता है चीजों को सीखने में तो अगर इवन इफ सिक्स मंथस भी अपलीकेबल है आपके पास ठीक है तो आप ट्राई करो कि कम से कम आप नाव वन ईयर वहाँ पर दो जिससे कि आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आए नव कैन यू गिव फाइनल एग्जाम बिफोर ट्रेनिंग कम्प्लीशन ट्रेनिंग कम्प्लीट होने से पहले फाइनल एग्जाम आप दे सकते हो पार्शली येस yes, क्योंकि आप कोई भी एक ग्रुप फाइनल्स का दे सकते हो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी है तो बट फॉर लास्ट ग्रुप यू हैव टू कम्प्लीट योर ट्रेनिंग और अगर आपको बहुत ग्रुप्स के लिए जाना है फाइनल के तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग कम्प्लीट करनी ही पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू स्विच टू फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इन वाइस वर्षा ठीक है येस बट मेक शोर यू कंप्लीट द रिक्वयर्ड ड्यूरेशन सिक्स मंथ और फिफ्थ ज एप्लीकेबल टू यू एट वन प्लेस आदर एट अ फॉर्म और ऑर्गेजन बिफोर स्विचिंग ये मैंने बोला है कि आप एक ही जगह पे अगर आप कहीं काम कर रहे हो फॉर्म आपको ऑर्गेजन में जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप फॉर्म ही सिक्स मंथस कंप्लीट कर लो ठीक है इस्टूट का एक क्राइटेरिया नहीं है आप बीच में चेंज कर सकते हो और इंस्टीट्यूट को इंटीमेट कर सकते हो अगर आपको इतनी ड्यूरेशन नहीं होती बट मेरा ये मानना है यहाँ पे वैसे टेन मंथस आएगा क्योंकि उन्होंने टेन मंथ्स मांगा हुआ है ठीक है बट मेरा ये मानना है कि आप एक ही जगह पर करो कम से कम एटली जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जितनी भी वहाँ से मिले वो बिल्डअप हो पाए ठीक है क्योंकि आप स्विच करते रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे हर जगह अलग अलग काम होता है तो उतना सीख नहीं पाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट स्किल्स डू वी नीड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिस वॉज ऑल्सो द क्वेरी ऑफ अ स्टूडेंट एज यू कैन सी हेयर सो आई वुड से देर इज नो सच स्किल यू रिक्वायर टू स्टार्ट एज एवरी वन स्टार्ट फ्राम जीरो ठीक है हर कोई फ्रेशर है सो एवरी वन स्टार्ट फ्रॉम जीरो मेक श्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बी गुड इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डजेंट मीन इंग्लिश एंड हैविंग गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वुड बी एन एडवांटेज मोस्ट पीपल मिस अंडरस्टूड Communication skills as English speaking skills. So they both are different. If you are able to communicate, if you are able to understand your thing to the other person, then it is communication. Either you are doing it in Hindi or either you are doing it in English, but English is preferred in the interviews. So it will be good. If you would be having good English speaking skills, it would be an advantage. Focus on personality, prepare according to the job description, and prepare the basic interview questions that is why you want to join. एक्सवाईजेड लिमिटेड या जो भी आपकी फॉर्म वगैरह है क्यों आपको ज्वाइन करनी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के विच यू कैन इज़ली फाइंड ऑन गूगल ठीक है नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन वट यू शुड चूज बिटवीन फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन दिस वॉज द मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द टाइम कि मेरे को फॉर्म में करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए वट डू यू सजेस्ट सो देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आई एव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट यू कैन जस्ट चेक आउट

ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता ही करना लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सो दिस इज इट सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द बेस्ट